व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर। हमारे दिमाग को, हमारे हार्ट यानी कि हमारे दिल के साथ में पहले पीस बनाना पड़ेगा, उसी के बाद में हम पूरे वर्ल्ड में पीस ला सकेंगे। अगर हम लोग अपने दिमाग और अपने दिल के बीच में पीस नहीं ला पाए, हमारे दिल और दिमाग के बीच में ही लड़ाई चलती रही, तो हम कभी भी इस सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में पीस नहीं ला पाएंगे। ये कोटेशन आज पीस की है और आज आप लोगों को पता होना चाहिए 23 फरवरी है और आज ही के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। अगर आप लोगों से कोई इसके बारे में पूछता है तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड, अगर आप लोग आज के डेट में उदाहरण लेकर चलें, चाहे आप लोग सीरिया का उदाहरण ले लीजिए या फिर नॉर्थ कोरिया का उदाहरण ले लीजिए या किसी भी कंट्री का जहां पर आज के डेट में बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है, या फिर ISIS का उदाहरण ले लीजिए, तो इस तरीके की आज की डेट में हमारी कंट्री या हमारे वर्ल्ड को बहुत ज्यादा जरूरत है पीस बनाने की। ओके, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं या फिर कोई कोटेशन ये यूज कर सकते हैं आप लोग। अगर कोई ऐसा ऐसे आते हैं जहां पर बात की जा रही है टेररिस्ट एक्टिविटी की, तो आप भी वहां पर इसको स्टार्टिंग में इस कोटेशन को यूज कर सकते हैं। ओके, तो 23rd of Feb है, देख लेते हैं नैनो मैगजीन के तहत हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज देखेंगे, इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा योजना प्रीलिम्स का फोकस, थोड़ा फोकस रहेगा यहाँ पर, और इसके अलावा पीआई भी देखने को मिलेगी, कुछ क्वेश्चंस और कुछ आंसर्स आप लोगों को भी देखने को मिलेंगे, और शाम को आप लोगों को वीडियो मिलती है पॉलिटिक्स की, इसको भी आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। आइए आज का अपना फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये आप लोगों के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पोर्शन हो सकता है। बात की जा रही है मैसिव रिजर्वायर ऑफ मरकरी, कहां पर पाया गया है, ये आर्टिक ओशन में पाया गया है। पहले आप लोग थोड़ा लोकेशन देखिए तब आप लोग समझ पाएंगे। जैसे ये मैप है यहाँ पर, तो जो नॉर्थ वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर, ये आप लोगों को यहाँ पर आर्टिक ओशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। नीचे वाले पोर्शन को अंटार्कटिका बोलते हैं, ऊपर वाले को आर्टिक बोलते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा इसको दूसरी तरीके से मैप में देखेंगे तो समझ पाएंगे। ये है नॉर्थ पोल, आप इसको बोल सकते हैं। नॉर्थ पोल का जो ये वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको आर्टिक ओशन बोलते हैं। इधर आप लोगों को रशिया देखने को मिलता है, इधर आप लोगों को देखने को मिलता है अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है, यहाँ पर कनाडा आप लोगों को देखने को मिलता है, ये हो गया यहाँ पर ग्रीनलैंड, तो इस तरीके से ये हो गया यहाँ पर आप लोग देखते हैं नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ठीक है, यहाँ पर आइसलैंड हो गया। तो ये इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। कुछ यहाँ पर आप लोग याद रखते हैं, जैसे हुडसन बे ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, और भी कई सारे आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको जाकर मैप में खुद से भी निहारिएगा, लगभग आप लोगों को जाकर मैप में देखिएगा इसको, लगभग आप लोगों को 5 से 10 मिनट देंगे तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा कि बात क्या की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी इस वाले एरिया में पाई गई है बहुत ज्यादा मरकरी का रिजर्व, मतलब मरकरी बहुत ज्यादा पाई गई है, और ये माना जा रहा है अगर क्लाइमेट गर्म होता है थोड़ा, अगर हमारा जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है आने वाले टाइम में, तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में रिलीज हो सकता है, और जैसे ये इन्वायरमेंट में रिलीज होगा तो ये ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो दोनों पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। इस तरीके से यहाँ पर बातें बोली जा रही है। अगर बात करें यहाँ पर आप लोग देखते हैं बात की जा रही है अलास्का की, तो अलास्का वाला रीजन में यहाँ पर देखा गया है, जो मैंने आप लोगों को अभी रीजन यहाँ दिखाया जो कि यूएसए का पार्ट है, ये वाला देख सकते हैं आप लोग, खासकर इस वाले रीजन में यहाँ पर फोकस दिया जा रहा है। तो यहाँ वाले रीजन में बात यहाँ पर की जा रही है कि यहाँ पर जो बात की जा रही है परमाफ्रोस्ट बोलते हैं इसको, जिसके नीचे ये इस तरीके का जो रिजर्व पाया गया है। परमाफ्रोस्ट क्या होती है, ये परमाफ्रोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा एक या 1.5 साल तक जो ऐसा पोर्शन मिट्टी का जो काफी जमा रहे, मतलब आप लोग देख सकते हैं खासकर बर्फ की वजह से, तो इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा परमाफ्रोस्ट। ये टर्म आप लोगों ने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ी होगी, मुझे पता है ज्योग्राफी में इसके बारे में काफी डिस्कस किया जाता है, जब बात आती है मिट्टी के प्रकार जानने की उस टाइम पर इसका जिक्र वहां पर किया जाता है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। आगे बात क्या की जा रही है, आगे बात की जा रही है जो इसके मरकरी के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका जो केमिकल सिंबल होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको HG बोला जाता है, और एटॉमिक नंबर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये इसका 80 है, ठीक है। अगर न्यूज में कुछ चीज होती है तो ये पूछ ली जाती है, इस तरीके से थोड़ा पता होना चाहिए। और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसके बारे में और पता होना चाहिए, ये ओनली एक ऐसा मेटल है, ये एक धातु है, मेटल है, जो कि आप लोगों को लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब जिस टेम्परेचर पे अगर दूसरे धातु आप लोग देखेंगे वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, या तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको सॉलिड मिलेंगे, पर ये उस नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो HG जो मरकरी जिसको हम बोल रहे हैं, ये आप लोगों को लिक्विड मिलेगा। इसके अलावा पुअर कंडक्टर है हीट का, नॉर्मल आप लोगों को धातु जो होती है वो हीट का कंडक्टर अच्छा नजर आता है, उसके अंदर से जो हीट होती है वो बहुत जल्दी फ्लो होती है, पर लेकिन ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर ये यहाँ पर रिलीज हो जाता है यहाँ पर
इन्वायरमेंट में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम या फिर लंग्स, किडनी, आईज और नीज पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट ये डालने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं पूरे ओवरऑल हमारी बॉडी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है अगर इसका गलत तरीके से इन्वायरमेंट में ये रिलीज हो जाता है। इसके अलावा बहुत खतरनाक इसको केमिकल बताया गया है, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। जो टॉप 10 केमिकल है हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाले, उनमें से इसका नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा WHO के द्वारा इसको बताया गया है। और ये तो आप लोग याद रख ही रख सकते हैं, इसके बारे में तो आप लोगों से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इसको मैं आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये है यहां पर मिनी माता कन्वेंशन। मिनी माता कन्वेंशन के तहत ये माना जाता है ग्लोबल कम्युनिटी को एक साथ में आके जो यहां पर बात आती है मरकरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में ऑल ओवर वर्ल्ड में किस तरीके से इसको टैकल किया जा सकता है, इसके बारे में यहां पर जिक्र किया जाता है। थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं यहाँ पर मिनी माता कन्वेंशन के बारे में भी, आप लोगों से अगर कोई पूछे तो थोड़ी सी डिटेल आप लोगों इसके बारे में पता होनी चाहिए। ये एक यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि साइन की गई थी 10 अक्टूबर 2013 में, कोई ज्यादा पुरानी नहीं हुई है, लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 5 साल लगभग पुरानी हुई है अभी। और जैसे इफेक्टिव आई है, इफेक्टिव यूज में जो आई है ये 16 अगस्त से आई है, तो लेटेस्ट अभी करंट अफेयर भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुमामोटो आप लोगों को जापान में लोकेशन इसकी देखने को मिलेगी जहां पर ये आप लोगों को पिक्चर में आती हुई नजर आएगी। सिग्नेटरी लगभग 128 हो चुके हैं और पार्टी 86 है यहाँ पर। जी पार्टी का मतलब क्या होता है? पार्टी का मतलब होता है जिनकी पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया है। ठीक है, और यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि साइन कर चुके हैं, तो इस तरीके से इसके बारे में थोड़ा जान सकते हैं। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कौन कौन सी लैंग्वेज यूज हो जाती है, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश यहाँ पर लैंग्वेज यूज होती है। किस तरीके से यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा मरकरी को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके यूज को रोका जा सकता है ताकि बॉडी पर कोई गलत इंपैक्ट ना पड़े, ह्यूमन और जो एनिमल है दोनों की और इन्वायरमेंट को कोई नुकसान न पहुंचे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अटल भूजल योजना के बारे में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए। थोड़ा आप लोग देख सकते हैं किस लिए ये योजना बनाई गई थी, तो सीधा सीधा आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए वाटर को कंजर्वेशन करने के लिए ये योजना बनाई गई, मतलब किस तरीके से हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसके लिए पैसा कहाँ से निकल कर आता है, तो इसके लिए 6,000 करोड़ पैसे रुपये दिए गए हैं जिसके तहत यहाँ पर वाटर को कंजर्व किया जाएगा। एम क्या है, किस तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है जो भी अवेलेबल वाटर है हमारे पास में, किस तरीके से उसको इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर वाटर को ढंग से हम लोग यूज कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आज की डेट में हमारे जो वाटर लेवल घटता हुआ जा रहा है, खासकर अगर हम लोग देखें शहरों में या फिर गांव में और या फिर खेतों में भी आप लोग देख सकते हैं आज की डेट में जो ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं उसकी वजह से भी वाटर लेवल पर काफी इंपैक्ट पड़ता है, तो किस तरीके से एफिशिएंट यूज वाटर का किया जा सकता है और खासकर यहां पर देखने को मिलेगा कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के द्वारा इसको सोल्व करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जब चीजें पहुंचती है तभी उनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जब पंचायत के लेवल पर और म्युनिसिपैलिटी के लेवल पर यहां पर बातें पहुंचेगी तभी इफेक्टिवली इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो लोकल लेवल पर यहां पर लोगों को इसके अंदर लाने की बात की जा रही है। तो पहला हो गया यहां पर आप लोगों से पूछेगा कि ये भूजल योजना किससे रिलेटेड है, तो पहला तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर से रिलेटेड है। कितना पैसा यहाँ पर दिया गया है बैंकिंग में या फिर एसएससी वगैरह में, इतना पैसा आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये कई बार मनी पूछ ली जाती है। तो 6,000 करोड़ यहाँ पर दिए गए हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए स्कीम है। इसके अलावा आप लोगों से कोई पूछ सकता है कि यहाँ पर इसको जो कॉस्ट है वो कहाँ से निकल कर आ रही है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉस्ट निकल कर इसकी आ रही है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा वर्ल्ड बैंक यहाँ पर हाफ कॉस्ट इसकी पे करने वाला है। लगभग 3,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से आने वाले हैं और 3,000 करोड़ यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा पे किए जाएंगे, और जो गवर्नमेंट तो यहाँ पर टोटल 6,000 करोड़ ये हो जाएंगे जो इनको कंप्लीट को स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा और खासकर पंचायत के लेवल पर पैसा पहुंचाया जाएगा, मतलब पंचायतों को पैसा दिया जाएगा ताकि वो ग्राउंड लेवल का वाटर को मैनेजमेंट कर सके। तो 50% तो यहाँ पर जाता हुआ नजर आएगा, 50% दिया जाएगा यहाँ पर स्टेट्स को। ये किस लिए दिया जाएगा कि जो भी इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर क्रिएट कर सके, मतलब साइंटिफिक क्या क्या अप्रोच हो सकती है, अच्छे अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके, किस तरीके से यहाँ पर और ज्यादा चीजों को बढ़ावा दिया जा सकता है पानी को सिक्योर करने में, तो प्रोग्राम चलाए जा सके उसके लिए, तो वो सारी चीजें मतलब अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बातें की जा रही है। देखिए, एक तो होता है चीजों को क्रिएट करना और एक होता है चीजों को सेव करना, तो दोनों में इतना ही डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। क्रिएट करने के इक्विवेलेंट आप लोगों को सेव करना यहाँ पर बोल सकते हैं। एक साइड में हम लोग जैसे घर से बाहर निकलते हैं अपने घर के स्विच वगैरह जो है, लाइट फैन वगैरह, जो टीवी वगैरह चला हुआ अगर छोड़ जाते हैं, लैपटॉप वगैरह, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा उससे बहुत ज्यादा हमारी जो एनर्जी होती है वो वेस्ट होती है। अगर हम उनको बंद करके निकले घर से तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं वहां भले ही हम लोग लाइट क्रिएट नहीं करें पर सेव कर रहे हैं, और ये इक्विवेलेंट तो होती है क्रिएट करने के, तो इसलिए एक अवेयरनेस फैलाना भी यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो उस पर भी काफी खर्चा यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखनी चाहिए मिलेगी आप लोगों को। बात की जा रही है 60% जो कंट्री का अगर आप लोगों को जो वाटर यहाँ पर देखा जाए ग्राउंड वाटर इंडिया में वो इरीगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, 60% जो यहाँ पर जाता है।
तो जितनी भी हमारी कंट्री में इरिगेशन होती है वो 60% ग्राउंड वाटर से होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जो गांव में आप लोगों को देखने को मिलेगा वो लगभग 85% ग्राउंड वाटर यूज किया जाता है, चाहे तो नल के आप लोग देख सकते हैं, जो नल होते हैं हमारे गांव में, या फिर आप लोग देखते हैं आज के टाइम में सबमर्सिबल बहुत ज्यादा लग गए हैं तो उनके बेस पर जो पानी निकाला जाता है वो यहां से निकाला जाता है। गांव में आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 85%, लगभग 50% आप लोगों को देखने को मिलेगा जो अर्बन एरिया है, मतलब जो हमारे शहरों वाला एरिया है वहां पर 50%। ये यहां पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि यहां पर भी लगभग इतना ही देखने को मिलेगा, नहीं, क्योंकि जो आप शहरों में जो पानी की बात होती है वहां बाहर से पानी एक्सपोर्ट किया जाता है मैक्सिमम, वहां पर आप लोगों को नल वगैरह ज्यादा देखने को मिलेगा, वहां पर आप लोगों को मैक्सिमम जो देखने को मिलेगा टंकी का पानी आता है तो मैक्सिमम बाहर से एक्सपोर्ट किया जाता है, वहां पर ग्राउंड वाटर यूज नहीं किया जाता है। तो ये आप लोगों के लिए अगर क्वेश्चन मिले तो आप लोग कंफ्यूज न होइएगा। यहां पर ओवर एक्सप्लोइटेड यहां पर कुछ एरिया बताए गए हैं, आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी को एक्सप्लोइट किया गया, ग्राउंड वाटर को, मतलब सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यहाँ पर निकाला गया है और तमिलनाडु यहाँ पर टॉप मारता है सब में। तमिलनाडु में मैक्सिमम ग्राउंड वाटर यहाँ पर निकाला गया, डार्क जोन्स नजर आते हैं तमिलनाडु में मैक्सिमम, जहां पर पानी बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो ये बातें भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलग नेक्स्ट लेक्चर भी, नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों को कनेक्ट कर पाएगा पानी के साथ में ही। बात की जा रही है इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में, बहुत फेमस कैनाल है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कई बार जो राजस्थान वाला एरिया है वो डेजर्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, डेजर्ट के रूप में काफी फेमस है, डेजर्ट पाए जाते हैं वहां पर बहुत लार्ज स्केल पर, ठीक है। तो वैसे तो यहां पर नाम आप लोगों को राजस्थान नजर आ रहा है पर लेकिन ये राजस्थान राजस्थान में ही नहीं है, आप लोगों को लोकेशन इसकी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीन स्टेट में इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। हाँ ये अलग बात है कि ऊपर थोड़ी लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी और राजस्थान में वैसे बहुत ही कम इसका आप लोग बोल सकते हैं इंपैक्ट पड़ता है, मैक्सिमम आप लोगों को इसका पंजाब में और आप लोगों को नजर आएगी राजस्थान में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहां पर ये है हरिका बैरेज, यहां से ये निकल के आती है, जहां पर ब्यास रिवर, सतलज रिवर आप लोग देख सकते हैं यहां पर पिक्चर में, तो दोनों ही रिवर का यहां पर नाम याद रख सकते हैं आप लोग, ओके। ये आप लोगों को यहां पर कैनाल नजर आ रही है और खासकर उस वाले रीजन से ये होती हुई नजर आती है जहां आप लोगों को डेजर्ट दिखते हैं, मतलब हिंदी में बोले तो मरुस्थल आप लोग यहां पर दिखते हैं, तो इस वाले एरिया में खासकर आप लोग देखने को मिलेगा। जैसलमेर वाला रीजन बहुत ज्यादा माना जाता है, किसके लिए, मरुस्थल के लिए, मतलब रेगिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है ये, तो इस वाले एरिया में ये काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालती हुई नजर आती है, तो इसके बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है। जब इसकी बात आती है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसको क्या बात की जा रही है कि इस वाली जो कैनाल है यहां पर इसको ढंग से आने वाले टाइम में अच्छे से इसको मतलब कंस्ट्रक्ट करने की बात करी जा रही है, रिपेयर करने की बात की जा रही है ताकि इसका पानी जो है इफेक्टिवली यूज किया जा सके और इसको इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी किसी काम के लिए इसको यूज किया जा सके। पहली तो बात यह होगी कि किस किस स्टेट में किस किस एरिया में पड़ती है ये पता होना चाहिए। दूसरी बात यह होगी कि अभी जो लेटेस्ट साइन किया गया एग्रीमेंट ये किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ में, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ में जो एग्रीमेंट साइन किया गया यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके लिए पैसा आता है जिसके बेस पर यहां पर वर्क किया जाएगा, इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इसको रिपेयर किया जाएगा। इसी बहाने से थोड़ा सा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात आती है, इसको ब्रिक बैंक भी बोला जाता है। 2014 में यहां पर ट्रीटी साइन की जिसके बेस पर यहां पर आप लोगों को देखने को मिला और 2015 में ये यहां पर पिक्चर में आया, 14 में ट्रीटी और 2015 में फोर्स में आया, पिक्चर में आया। हेडक्वार्टर आप लोग चलिए इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कर लीजिए, सारी मेहनत मेरे से ही कराओगे क्या? थोड़ा सा आप लोग भी जाकर सर्च कीजिएगा इसके बारे में। अगर मेंबर की बात करें तो ब्रिक कंट्री है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज यहां पर क्या है वो है इंग्लिश, और क्यों बता रहा हूं मैं इसके बारे में, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज के डेट में जो इसके प्रेसिडेंट है वो है केवी कामत, तो ये इंडिया के हैं जो कि आज के डेट में इसके प्रेसिडेंट है, तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर इसके बारे में बताया। और सबसे बड़ी बात ये है आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी लेटेस्ट ये बैंक बनाया गया है और ये फर्स्ट पर्सन यहाँ पर इसके चेयरमैन आप लोगों को नजर आएंगे, ये पहले इन्फोसिस में भी चेयरमैन सर्व कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ये आईसीआईसीआई बैंक के रह चुके हैं, इतनी सारी आई इतने ज्यादा सी हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। तो दोनों ही पॉइंट से इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से लोन मिल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, हमारे इंडिया के यहाँ पर चेयरमैन है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ पर हेडक्वार्टर है लेटेस्ट अभी बनाया गया है, ब्रिक जो कंट्री है उससे पार्टिसिपेट करती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जाकर पढ़िएगा, बाकी जो डिटेल मैंने आप लोगों को बताई दी है। अगर बात करें लेंथ के हिसाब से तो लार्जेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट आप लोगों को इंडिया में ये देखने को मिलेगा, मतलब इंडिया में सबसे बड़ी नहर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये हरिका बैरेज मैंने आप लोगों को बताया अभी यहां से निकल कर आती है, सतलुज और ब्यास में आप लोगों को रिवर यहां पर दिखा चुका हूं जो कि पंजाब में आप लोगों को देखने को मिलती है, और थार डेजर्ट मरुस्थल में आप लोगों को, रेगिस्तान में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं जिस वाले को ये सबसे ज्यादा पानी प्रोवाइड कराने वाली है। प्रीवियसली इसका नाम बोला जाता था राजस्थान कैनाल, फिर इसका नाम चेंज करके देखने को मिलेगा आप लोगों को, इसका नाम चेंज रख दिया गया क्या करके, इंदिरा गांधी कैनाल। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट कर पाइएगा अच्छे से।
हमारी आर्म फोर्स में आप लोगों को देखने को मिलता है कई बार कई सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं या फिर जो उनके प्रॉपर बेसिक की चीजें रहती हैं उनकी भी उनको पूर्ति नहीं कराई जाती है। उसी के लिए यहां पर आप बात की गई है, अप्रूव किया गया है, कैपिटल एक्वाइजेशन के लिए प्रपोजल दिया गया लगभग 1850 करोड़ रुपए का। यह आप लोगों को देखने को मिला है। किसके द्वारा ये किया जाता है? ये होता है डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल डीएसी के द्वारा किया जाता है। और डीएसी को चेयरमैन चेयर कौन करता है ये आप लोगों के माइंड में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। होता है यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। तो डिफेंस मिनिस्टर इसको यहाँ पर चेयर करते हुए नजर आते हैं, जो कि आज की डेट में कौन है, ये है निर्मला सीतारमन। तो इनके बारे में भी आप लोग थोड़ा याद रखेगा, ये इस तरीके की बातें पूछ ली जाती हैं। और बैंकिंग में तो कई बार ये आप लोगों को पॉइंट भी मिल जाते हैं कि कितना पैसे का भी यहाँ पर डिफेंस में अभी एक्वाइजेशन किया गया, अप्रूव किया गया है यहाँ पर डीएसी के द्वारा। तो आप लोग इसको थोड़ा याद रखेगा क्योंकि डायरेक्ट इस तरीके की बातें भी आप लोगों को पूछने को मिल जाती है। बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में, तो थोड़ा सा फोकस रखिएगा। आज की डेट के लिए ये काफी इंपोर्टेंट आप इसको पोर्शन बोल सकते हैं क्योंकि पीएनबी का फ्रॉड आप लोगों के सामने निकल कर आया, अभी रोटोमैक का भी फ्रॉड आप लोगों के सामने निकल कर आया, इससे पहले मालवीय आप लोग देख सकते हैं या कई सारी और भी एनपीए वाले इशू बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, तो इसलिए ये कमेटी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट मानी जा रही है। आरबीआई ने सेटअप किया है एक पैनल अंडर वाईएच मालेगाम के अंडर में अध्यक्षता में। ये पैनल यहां पर देखेगा किस तरीके से आने वाले टाइम में हम लोग जो बैंक में ये फ्रॉड के इंसिडेंट सामने आते हैं निकलकर उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जो वाईएच मालेगाम है इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो पूरा फोकस आप लोगों को देखने को मिलेगा जो फ्रॉड होते हैं किस तरीके से उनको रोका जा सकता है, या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं, मतलब जो ऐसा धन जो ये दे चुके हैं और वो नॉन परफॉर्मिंग हो चुके हैं, आज के दिन परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब कोई लेके उसको भाग गया है या फिर वो बिल्कुल खत्म हो चुका है कि अब लोग पे करने की कंडीशन में नहीं है, तो उस वाले धन को भी किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरीके से यहाँ पर चीजों का यूज किया जा सकता है, उन सब चीजों पर फोकस देकर ये चलने वाले हैं। तो क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए बैंकर्स ऑफ द बैंक माना जाता है आरबीआई को, आरबीआई ही सबसे बड़ा यहां पर पितामह बैंकों का आप इसको बोल सकते हैं, इसी के अंडर में सारे बैंक काम करते हैं। अगर ढंग से देखा जाए जो भी मार्केट में कितनी ज्यादा यहां पर लिक्विडिटी रहनी है और कितनी कम लिक्विडिटी होनी है, तो वो भी यहां पर अपने रेट्स के द्वारा इसको कंट्रोल करके चलता है। और आरबीआई आप लोगों को पता होना चाहिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही यहां पर ये देखती है कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करना है, और जो मैं आप लोगों को कई हजार बार बता चुका हूं 4 ± 2 इसके कंट्रोल में यहां पर इन्फ्लेशन रखना है, मतलब 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, जो कि कंट्रोल करने में सक्सेसफुल भी रहे हैं। किसे कंट्रोल करते हैं ये आप लोगों के सामने पॉलिसी रेट है, यहां पर पॉलिसी रेपो रेट इसको बोल सकते हैं आप लोग, ये आज के डेट में 6% है। आज है आप लोगों को देखने को मिलेगा, कितनी तारीख है, आज है 23 तारीख, तो आज के रेट की बात कर रहा हूं, पता चले आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हो आगे चलने वाले 1-1.5 महीने बाद में, तब तक रेट चेंज हो जाए तो तब कंफ्यूजन में मत आइएगा। बात की जाए रिवर्स रेपो रेट की, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 5.75, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशो आप लोगों को देखने को मिलेगा 6.25, बैंक रेट 6.25। अगर बात करें यहां पर इन दोनों की सीआरआर की, तो आप लोगों को 4% देखने को मिलेगा, एसएलआर आप लोगों को 19.5 देखने को मिलेगा। ओके, ये टर्म्स है काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इनका थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि जो भी बैंक है किस तरीके से यहां पर सेफगार्ड इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, उसके लिए यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है ये कमेटी, तो इसके बारे में याद रखिएगा वाईएच मालेगाम कमेटी। ओके, कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी काफी हद तक सुधरते हुए आ रहे हैं, जो पहले सुधरते हुए नजर नहीं आते थे। आज की डेट में आप लोग देखिए यहाँ पर इंडियन पोस्ट के द्वारा स्टार्ट की गई है कस्टमर रिव्यू सर्विस। जिस तरीके से आप लोग अमेजन या फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदते हैं तो आप लोगों को फोन करते हैं, एसएमएस करते हैं, मेल करते हैं और बहते हैं भैया कोई यार रिव्यू कर दो कि कैसे कैसे आप लोग यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से फेसबुक पर जैसे मैंने पेज बना रखा है स्टडी लवर या फिर वीर तालियान के नाम से, आप लोग वहां पर जाएंगे तो वहां पर भी उसे रिव्यू का बटन देते हैं, मतलब आप लोगों को सर्विस कैसी लगती है, तो आप लोग यहाँ पर स्टार दे सकते हैं। फर्स्ट स्टार का मतलब है बहुत गंदी सर्विस है, सेकंड स्टार का मतलब थोड़ी सही है, थर्ड का और सही है, और जब ग्रीन हो जाता है कंप्लीट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि ये बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। आप लोग भी यहाँ पर फेसबुक का पेज जाकर रिव्यू कर सकते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर सर्विस आप लोगों को अप टू द मार्क प्रोवाइड कराई जा रही है तो आप लोग उसी बेस पर यहाँ पर स्टार दे सकते हैं। ठीक है, तो यही सर्विस अब यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। किसके द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है? अब यहाँ पे इंडियन पोस्ट के द्वारा। इंडियन पोस्ट अब देखेगी यहाँ पर सर्विस के यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर फीडबैक लिया जाएगा और उसी के बेस पर आने वाले टाइम में अपनी सर्विस को इंप्रूवमेंट करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा जाके इसके बारे में पढ़िएगा और बताइएगा कि इसको कब स्टार्ट किया गया था। पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी, कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ मैक्सिमम 99% क्वेश्चन में ऐसे पूछने कोशिश करता हूँ जो पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, ताकि आप लोगों का रिविजन होता रहे। ओके, तो जाके थोड़ा देखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है, ये है किसके बारे में? सऊदी अरेबिया के बारे में। कंट्री को मैप में थोड़ा निहार लीजिए, सऊदी अरेबिया यहाँ पर हो गया, ऊपर जॉर्डन हो गया, इधर इराक हो गया, आप लोग देख सकते हैं कुवैत हो गया, यहाँ पर कतर हो गया, यूएई हो गया, ओमन हो गया, यहाँ पर हो गया यमन, तो ये देख सकते हैं रेड सी इधर हो गया, अरेबियन सी, और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं ये वाला पोर्शन सारा जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जो कि नॉर्मली डिपेंड रहती थी ऑयल के ऊपर, पर लेकिन आज के डेट में वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है और वहां पर जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी थी उसको घटाती हुई नजर आ रही है, और जहां पर वुमेन को भी बहुत ज्यादा
राइट प्रोवाइड नहीं कराए जाते थे, आज के डेट में उनको भी यहाँ पर सबकी कंट्री में यहाँ पर बहुत इस कंट्री में यहाँ पर बहुत ज्यादा आज के डेट में आप लोगों को प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, उन सब एरिया भी यहाँ पर चेंज होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। यहाँ पर आज के डेट में रिफॉर्मिंग का दौर चल रहा है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ दिनों पहले इन्होंने सारे प्रिंस जो ब्यूरोक्रेट्स थे या कोई करप्ट यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे सबको जेल में उठा के डाल दिया था और बोला था कि ये करप्ट एक्टिविटी में संलिप्त पाए जा रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ पर डाला गया है। तो अब आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर फर्स्ट एवर, इससे पहले कभी नहीं हुआ है, अरब फैशन वीक, मतलब यहाँ पर भी फैशन वीक यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा, यहाँ पर भी फैशन वीक बनाया जाएगा जो कि पहले कभी नहीं होता था। टाइम क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा 26 से 31 तक नेक्स्ट मंथ, क्योंकि 28 की है फरवरी, तो यहाँ पर तो 31 आ ही नहीं सकता है तो इसलिए कॉमन सेंस की बात हो गई। आगे चलना आप लोगों को देखने को मिलेगा 26 से 31 तक, ये मार्च में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और नेक्स्ट इसका सेकंड एडिशन भी होगा, मतलब भूले ना ताकि लोगों को एक बार फिर से याद दिला दिया जाए आने वाले टाइम में, तो जल्दी से जल्दी इसका सेकंड वीक में आप लोगों को अक्टूबर में इसका सेकंड एडिशन आप लोगों को नजर आएगा। ये सारे रिफॉर्म कर कौन रहा है यहाँ पर, ये आप लोग याद रख सकते हैं, इनका नाम काफी न्यूज में भी था, ये है मोहम्मद बिन सलमान। तो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को काफी लार्ज स्केल पर, ताकि इनकी इकोनॉमी ऑयल से हटकर दूसरे एरिया में भी अपना जलवा दिखाते हुए नजर आए, तो इसीलिए कुछ ऐसे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा काम इस तरीके के स्टार्ट किए गए हैं, ताकि दूसरे एरिया में भी इनके जो सेक्टर है उनको इनहेंस किया जा सके। तो सऊदी अरेबिया के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, कैपिटल आप लोग रियाद देख सकते हैं और करेंसी यहाँ पर सऊदी रियाल, ओके ये याद रखेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डायस्पोरा बहुत ज्यादा हमारी कंट्री के लोग यहाँ पर रहते हैं और वो यहाँ पर बहुत सारा रिमिटेंस हमारी कंट्री में वापस भेजते हैं, तो इसलिए भी ये कंट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात की जा रही है वेस्ट एशिया की, तो वेस्ट एशिया में ये पोर्शन पड़ता है। ओके नेक्स्ट को नेक्स्ट आप लोगों के रिवीजन का आज पॉलिटिकल पोर्शन है, यहाँ पर लेक्चर है 73 लेक्चर है, यहाँ पर आप लोगों को कैग के बारे में जाकर देखना है, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया गया है। इस लेक्चर को देखने के बाद में कैग से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं रहेगा। लिंक यहाँ पर आप लोग पीडीएफ के अंदर भी प्रोवाइड कराया गया, और सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे जाएंगे तो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी आप इसको देख सकते हैं और चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए। कम्युनिटी जो टैब रहता है डेली में उसमें भी इसको पोस्ट कर देता हूँ, वहां पर भी जाकर आप लोग लेक्चर को देख सकते हैं। अब देख लेते हैं आप लोगों का थोड़ा सा योजना वाला पोर्शन, ये आप लोगों का योजना चल रही है यहाँ पर जुलाई मंथ की, उसका आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल से पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, बात की जा रही है क्रिटिकली आप लोगों को कमेंट करना है क्या क्या चैलेंज फेस किए जाते हैं मनरेगा स्कीम के द्वारा इन रिसेंट मंथ, और किस तरीके से ये गांव वाले एरिया पे इंपैक्ट डालती हुई नजर आती है। बात की जा रही है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग फोकस देकर यहाँ पर चलने वाले हैं। तो आइए थोड़ा नजर डाल लेते हैं क्या क्या बात की जा रही है। देखिए नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, बात कर लीजिए या फिर आप लोग कुछ ऐसे एरिया जो कि हमारी कंट्री में थोड़ा पिछड़े हुए एरिया हो जाते हैं, मतलब जहां पर इंप्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा नहीं होता है, तो आप लोग खासकर देख सकते हैं वेस्ट जो ईस्टर्न यूपी वाला पोर्शन हो गया या फिर बिहार वाला पोर्शन हो गया, ये मैक्सिमम ऐसे एरिया है जहां से हमारी कंट्री के जो सिटीजन है वो काम के चक्कर में यहां से बाहर आते हुए नजर आते हैं, दूसरे एरिया में काम करते हुए नजर आते हैं, तो इसका बहुत लार्ज इंपैक्ट पड़ता है। खासकर बात की जाए अगर वेस्टर्न यूपी में या फिर पंजाब में या फिर हरियाणा में, तो यहां पर जो वर्कर होते हैं खासकर जो खेतों में काम करते हैं वो आप लोगों को बहुत लार्ज स्केल पर ये नजर आएंगे जो कि वर्क करते इस एरिया में आते हैं। पर लेकिन जब से मनरेगा स्कीम चली है, महात्मा गांधी ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चलाई गई है, तो बात की जा रही है गारंटी, ये यहां पर स्कीम में गारंटी प्रोवाइड कराते हैं कि आप लोगों को अपने ही एरिया में आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, और लगभग 100 डेज का, तो मिनिमम यहां पर 100 डेज की बात की जाती है, 100 और लगभग 150 रुपीज की बात की जाती है, तो इतना तो एम्प्लॉयमेंट देने की बात करते ही करते हैं ताकि उनका घर गुजारा चलता रहे। तो मनरेगा स्कीम काफी फेमस हुई थी, कहीं ना कहीं जो खासकर गांव वाला एरिया है, जो हमारा रूरल वाला एरिया है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी एक हाथ में देखने को मिलती है और सोशल वेलफेयर दूसरे हाथ में देखने को मिलता है, मतलब दोनों ही तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा काम करता हुआ नजर आता है। एक तरीके का प्लेटफॉर्म यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि लोगों को प्रोटेक्ट भी करता है, कहीं ना कहीं उनका कोई गलत शोषण न कर सके, क्योंकि खुद ही उनके लिए एम्प्लॉयमेंट यहां पर जनरेशन देखने को मिलता है। एम क्या है, सीधा कि रूरल एरिया में उसी एरिया में जाकर उनको कोई दूसरा एरिया में ज्यादा माइग्रेट ना करना पड़े, और लोग माइग्रेट करते हैं उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि एक इंसान एक बहुत सस्ते रेट पर जाकर कहीं काम करता है, ऊपर से माइग्रेट होकर जाता है, वहां पर रहने खाने का खर्चा इतना आ जाता है, तो वही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहां पर देखने को मिलेगा गांव की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा, और लैंड वर्कर जो है आप लोग रूरल एरिया में वो भी नजर आएंगे यहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में। बात की जाती है अगर बात की जाए यहाँ पर रिजोल्विंग द एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, तो आप लोग देख सकते हैं कई सारी स्कीम्स यहाँ पर चला रखी है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर मनरेगा के साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या फिर इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो ये कुछ स्कीम्स हैं यहाँ पर जो एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस को कम करने के लिए यहाँ पर चलाई गई है, और इनके तहत भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो मनरेगा के द्वारा प्रोवाइड कराए गए वर्कर होते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में।
नेक्स्ट आप लोग यहां पर कमेटी का नाम याद रख सकते हैं, ये कमेटी कई बार पूछी जाती है। मिहिर शाह कमेटी की बात की गई है, 2013 में मेंशन किया था इन्होंने कि मनरेगा के जो वर्कर हैं बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में और सस्टेन रखने में इसको आने वाले टाइम में। तो इस तरीके से भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट प्लेटफॉर्म की बात करें तो बायोमेट्रिक सिस्टम आधार कार्ड के साथ में कनेक्ट करके कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल लीकेज होता था इन सब चीजों में भी मनरेगा के द्वारा जो यहां पर लोगों को पैसा प्रोवाइड कराया जाता था तो जितना पैसा ऊपर से आता था उतना लोगों तक नहीं पहुंचता था, उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी और मिडिल मैन वाला कॉन्सेप्ट चला करता था। पर लेकिन जब से यहां पर अकाउंट खोले गए हैं जनधन के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा और जब जिसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत इनको मोबाइल से कनेक्ट करके लोगों को पैसा प्रोवाइड कराया जा रहा है तो जिसको जितनी कमाई है और जितना जो काम कर रहा है उसको उतना पैसा यहां पर मिल जा रहा है और डुप्लीकेसी ऑफ रिकॉर्ड भी देखने को मिल रही है। पहले काम कोई करता नहीं था और उसका पैसा वहां पर जाता रहता था, वो भी चीजें देखने को मिलती थी तो अच्छी खासी ट्रांसपेरेंसी भी यहां पर नजर आ रही है। तो ये मनरेगा के बारे में कई सारी प्रॉब्लम जो झेलनी पड़ती थी आज के डेट में सॉल्यूशन यहां पर निकलता हुआ आ रहा है, तो थोड़ी सी बात आपको इसके बारे में भी याद रखनी है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। पहला है बिगेस्ट आइस ब्रेक अभी आप लोगों को देखने को मिला हिस्ट्री में, ये सबसे बड़ा आइस ब्रेक आप लोगों को देखने को मिला जो कि देखने को मिला अंटार्कटिका, आर्टिक सी के बारे में अभी बता चुका हूं, अंटार्कटिका के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है ना। अंटार्कटिका नीचे वाले पोर्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको लार्सन सी आइस सेल बोला गया था लास्ट ईयर आप लोगों को ये देखने को मिला, इसके बारे में बताइएगा कौन सा इसके पास पास में सी पड़ता है उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में जिक्र किया जा रहा है जिसमें इंडिया की रैंक 177 180 में से थी, इसके बारे में आप लोगों को बताना है किसके द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है, ये क्वेश्चन मैं पहले पूछ चुका हूं, अब इसका दूसरा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट का जो यहां पर जज होते हैं किस तरीके से उनका इंपीचमेंट किया जा सकता है उसके बारे में बात किया जा रहा है, जो फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है पूरा इसके ऊपर लेक्चर ले चुका हूं कंप्लीट, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं, लेक्चर का लिंक भी नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। सात प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताए थे, सात स्टेप में पूरा इंपीचमेंट यहां पर किया जाता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले चाहे हाई कोर्ट की बात कर लीजिए, प्रोसीजर जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, डिटेल में एक्सप्लेन किया था, लेक्चर का लिंक आप लोगों को वीडियो के जस्ट नीचे प्रोवाइड करा दूंगा जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों को ये क्वेश्चन है, इनके आप लोगों को आंसर दे रहा हूं जो मैंने आप लोगों से कल पूछे थे, तो इनका आंसर आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं एक बार ढंग से। मैंने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी क्योंकि यहां पर इंडिया का भी कनेक्शन होता है, बात की जा रही है मारावाई सीज के बारे में, ये मारावाई सीज यहां पर फिलीपींस की जो मिलिट्री फोर्स है वो आईएसआई स्टेट टेररिस्ट के खिलाफ यहां पर अपनी एक्टिविटी इन्होंने चलाई, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहां पर आईलैंड ये याद रख सकते हैं, ठीक है ना, माइंडयानो यहां पर ये आईलैंड है, यहां पर ये एक्टिविटी चलाई गई और इंडिया ने भी यहां पर अपनी जो हेल्प है यहां पर प्रोवाइड कराई गई, तो इंडिया की हेल्प यहां पर प्रोवाइड कराई गई थी पैसे के फॉर्म में, मतलब मनी के फॉर्म में हम लोगों ने यहां पर पैसा दिया था जिसके तहत यहां पर आईएसआई के टेररिस्ट से ये टैकल कर सके इनके साथ में लड़ सके, तो इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और फिलीपीन है यहां पर कंट्री, ठीक है तो इसको थोड़ा देखिएगा। भारत पर्व की बात की जा रही है किसके द्वारा ये यहां पर ऑर्गेनाइज कराया जाता है ये फेस्टिवल, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रेड फोर्ट पर आप लोगों को देखने को मिलता है, रिपब्लिक डे की जो 2018 की जो आप लोगों को सेलिब्रेशन देखने को मिलता है उसके बाद उसके आसपास में आप लोगों को देखने को मिलता है जो ये इवेंट यहां पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इससे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बात की जा रही है रायसीना डायलॉग के बारे में, तो जो रायसीना डायलॉग है तो यहां पर देखिए नॉर्मली होता तो ये इंडिया में है पर लेकिन इस बार का जो इनॉग्रेशन यहां पर किया गया है ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इंडिया की कंट्री पर आए हुए थे तो उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, तो ये किसके द्वारा ये यहां पर ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कराया जाता है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा और इसके अलावा ORF इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, तो इन दोनों के द्वारा यहां पर ये स्टार्ट किया जाता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, अलग अलग एरिया से यहां पर लोग आते हैं और डिस्कस करते हैं किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में कंट्री में जो जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन बन सकती है, किस तरीके से जो वर्ल्ड को हम लोग एक अच्छा जगह बना सकते हैं, तो उसके बारे में यहां पर कई सारे डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो कुछ बातें थी जो इसके बारे में याद रखिएगा, तो याद रख सकते हैं यहां पर ये, ओके। तो इसके अलावा आप लोग आइए एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा 23 फरवरी है आज, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग के डे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर योजना का आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया मनरेगा के अंदर सिस्टमेटिक रिफॉर्म और जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, ये क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ये आप लोगों का रिविजन का पोर्शन था, कैक के बारे में जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा आज। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जो जाना ये मैसिव रिजर्व आर्टिक सी में हम लोगों ने देखा क्या था, ये था मरकरी के बारे में, मरकरी के बारे में डिटेल भी मैंने आप लोगों को दी जो कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट मिनी माता के बारे में हम लोगों ने जाना, इसके कन्वेंशन के बारे में, और मैंने आप लोगों को लोकेशन भी दिखाई और परम फोर्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर देखा अटल भूजल योजना के बारे में, और यहां पर वर्ल्ड बैंक जरूर याद रखिएगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है और किस के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाना है ये बातें भी थोड़ा याद रखिएगा, कहां कहां पर कितना पानी यूज होता है ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन, और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आप लोगों डार्क स्पेसिस देखने को मिलते हैं थोड़ा सा इसको भी देखिएगा। नेक्स्ट इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक यहां पर प्रोवाइड करा रहा है असिस्टेंट, इसके बारे में हम लोगों ने देखा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दीजिएगा और कहां से इनॉग्रेट हो रही है थोड़ी ये इन्फॉर्मेशन याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों को हम लोगों ने जाना यहाँ पर
फर्स्ट रैंक यहां पर एक तरीके से प्रोक्योरमेंट जो स्ट्रॉन्ग आप लोगों को देखने को मिलेगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा किया जा रहा है और जिसको हेड किया जाता है यहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। ओके तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट आप लोगों को डिस्कस किया आरबीआई ने सेटअप किया है YH मालेगाम कमेटी के बारे में डिस्कस किया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा याद रखिएगा जैसे फ्रॉड यहां पर हमारी कंट्री में निकलकर आ रहे हैं। नेक्स्ट इंडियन पोस्ट के बारे में जाना किस तरीके से फीडबैक सर्विस प्रोवाइड करा जा रही है और आप लोग भी यहां पर फीडबैक दे सकते हैं कि आप लोगों को लेक्चर कैसे लगते हैं। तो यहां पर आप लोग भी अपनी स्टार रैंकिंग दे सकते हैं स्टडी लवर पर भी और वीर तालियान के नाम से जो फेसबुक पर प्रोफाइल है वहां पर भी। नेक्स्ट आप लोगों यहां पर देखने को मिलेगा हम लोगों ने डिस्कस किया फर्स्ट एवर अरब फैशन के बारे में जो कि आप लोगों यहां पर अरब कंट्री भी देखने को मिली कैपिटल और करेंसी वगैरह और ये सब बातें हम लोगों ने देखी थोड़ा सा इसके बारे में हम लोगों ने यहां पर इन्फॉर्मेशन ली। इसके अलावा आप लोगों यहां पर ये क्वेश्चंस देखने को मिले जो कि आप लोगों के सामने थे, ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को देना है अच्छे से पढ़िएगा इनको। इसके अलावा मैंने आप लोगों क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और देखिए ये तो आप लोगों के लिए हो जाते हैं बीच में कुछ क्वेश्चन वैसे पूछ लेता हूं। इसके अलावा जो खुद भी आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका भी आंसर आप लोग देते रहिए और एक दूसरे से मिलकर एक अच्छा डिस्कशन बनाते रहिए। आप लोग एग्जाम का भी पास आ रहे हैं जितना अच्छा एनवायरमेंट बना सकते हैं उतना अच्छा एनवायरमेंट बनाइए, अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए, प्लास्टिक का कम से कम यूज कीजिए और इसके अलावा चीजों को शेयर कर दिया कीजिए और टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।